नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम सहवासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री दीपक बिरवा ने सोमवार को टोंटो प्रखंड के सेरिंगसिया, बड़ा झिप्पानी एवं कुंदवा पंचायत में आयोजित झामो पंचायत स्तरीय सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि चाईबासा विधानसभा अंतर्गत बरकेला, भाया, हिस्सा बांध, जोजोहातू, सिंगी जारी, अंजित बेड़ा होते हुए मोगरा जाने वाली मुख्य सड़क बनकर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन केंद्र के भाजपा सरकार की गलती के कारण कुछ जगहों पर सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिलने के कारण सड़क नहीं बन पाया और उसे अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण यहां के लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यही हाल चाईबासा हाट गमरिया NH-75 मुख्य सड़क का भी है। अब भाजपा के ही कुछ नेताओं के द्वारा ग्रामीणों को बरगलाकर विरोध कराया जा रहा है। दीपक बिरवा ने कहा कि झामुमो माटी की पार्टी है, इस तरह के जनहित कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गांव-गांव, गली मोहल्लों में सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देकर कार्य कर रही है, ताकि यहां की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन यहां विपक्ष में बैठी भाजपा के नेता गलत प्रचार प्रसार कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के ठगबाजों से होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं के झूठा प्रचार का जोरदार जवाब देने की बात कही। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। एक दो महीने में चुनाव अब जो ना झारखंड सरकार रे अब सरासरा सरकार को बही करे नैन विरोध रे भारतीय जनता पार्टी भाजपा को अपन मुसीहत सरकार बही नैन मुसीहत के नैन सरकार आत्म नीति ऐसे जोर को कोशिश की थी लेल किडा पे ना बीच रे हेमंत सोरेन गलत आरोप को लगाओ कि ये चीज ओपे ऐसा आकरिंग तेने मन किया तो जेल की एंड अपन ओपे आकरिंग तेन ती आरोप को लगाओ कि 1974 रे नोतर या आकरिंग अपकरिंग बलन टाइप ने रांची 1974 रे हेमंत सोरेन जन्म का जन्म लेने समय रे ओपे ऐसा रे आकरिंग अपकरिंग को जेल दी चलता। चाईबासा से हाटगमरिया के बीच नेशनल हाईवे 75E के निर्माण में गुणवत्ता की कमी और जमीन देने वाले रैतों का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध का एक अनोखा तरीका चुना है। मंगलवार को ग्रामीण नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों में धान की रोपाई करके विरोध जताएंगे। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के अध्यक्ष जॉन मेरन मुंडा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय उच्च पथ 75E के निर्माण में अनियमितता और जमीन मालिकों को मुआवजा न मिलने की समस्या उठाई है। उन्होंने सड़क के दोनों ओर नापी कर जमीन मालिकों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह झिकपानी जिला परिषद सदस्य जॉन मेरन मुंडा ने राष्ट्रीय उच्च पथ 75E चाईबासा से हाटगमरिया तक गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं जमीन मालिकों को मुआवजा की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है। जॉन मेरन मुंडा ने आवेदन में बताया है कि ठेकेदार राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन की ओर से सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, इसी को लेकर 8 अक्टूबर को ग्रामीण धान रोपाई करेंगे। चाईबासा नगर परिषद कार्यालय परिसर में मंगलवार को विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरवा ने किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर योजनाओं का शिलान्यास किया गया। नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में निर्माण किए जाने हेतु कुल 27 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। नगर परिषद के प्रशासक संतोषनी मुर्मू ने बताया कि चाईबासा शहर के विभिन्न वार्डों में करीब 1 करोड़ 39 लाख की लागत से
कन्वर्ट का निर्माण, पीसीसी सड़क, पीवर ब्लॉक बिछाने, नाली एवं स्लैब का निर्माण का कार्य होगा। इससे लोगों की समस्याएं दूर होगी। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत न आए। उन्होंने नगर परिषद के पदाधिकारी एवं संवेदकों को निर्माण कार्य में कोताही नहीं बरतने की हिदायत देते हुए सभी योजनाओं का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। हम लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, समय पर काम पूरा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और बाकी तो आने वाला दिन में जो योजना इस नगर परिषद क्षेत्र से सरकार को जाती है, यदि ऐसा कोई जरूरत आप लोगों को है या कोई विशेष योजना है इसको स्वीकृति देना है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश हम लोग करें कि और बेहतर योजनाओं को लाएं, शहर का विकास हो, सभी लोग इसका लाभान्वित हो। आइए चंद शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर राजपालक पदाधिकारी मैडम को और सभी पदाधिकारी कर्मियों को सबको मिलकर। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। चाईबासा सदर अंचल क्षेत्र के टुंगरी में स्थित बंद पड़ी निवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज की विवादित भूमि को लेकर ग्रामीण फिर आंदोलित हो गए हैं। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि इस भूमि पर उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा समतलीकरण कार्य किया जा रहा है, उन्होंने कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य रुकवा दिया, कार्य में लगे मजदूरों को भगा दिया। कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कार्य में लगे एक जेसीबी तथा एक ट्रैक्टर को भी रोक दिया। कार्यस्थल पर दूसरे पक्षकार बनवारी लाल निवटिया भी मौजूद थे। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। विनोद कुमार सवैया ने कहा कि यह विवाद अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, भूमि पर रोक भी लगी है, ऐसे में इस भूमि का समतलीकरण गैर कानूनी है, न्यायपालिका की अवहेलना है, जिला प्रशासन से इसकी शिकायत अवश्य की जाएगी। वहीं बनवारी लाल लिवटिया ने कहा कि इस तरह अचानक आकर कार्य रुकवाना गैर कानूनी है। इस दौरान रैद दीबर देवगम, चाहत देवगम, हेलन देवगम, विशाल देवगम आदि मौजूद रहे। कार्य रुकवाने के बाद कोल्हान भूमि बचाओ समिति की ओर से सदर अंचलाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया है कि टुंगरी में डीबर देवगम समेत अन्य तीन रैतों की पुस्तैनी जमीन है जो बनवारी लाल लिवटिया के अवैध कब्जे में है। अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, भूमि पर कोर्ट का प्रतिबंध भी लगा है। इसके बावजूद बनवारी लाल लिवटिया ने 6 अक्टूबर को एक जेसीबी एवं एक ट्रैक्टर की मदद से भूमि का समतलीकरण कराया, इसके पूर्व एक आवास भी बनवा लिया। यह कोर्ट की रोक का उल्लंघन है, जमीन चार दीवारी के अंदर स्थित है। मतकम हाथू के रैयत डीबर देवगम, चाहत देवगम, विशाल देवगम, भगवान देवगम इस भूमि के स्वाभिक अंशदार है एवं उत्तराधिकारी भी है। कोर्ट की रोक के उल्लंघन के लिए बनवारी लाल लिवटिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। जहां हमारे जो आदिवासी रैयत है, श्री डीबर देवगम, श्री भगवान देवगम, श्री चाहत देवगम, श्री विशाल देवगम एवं घनश्याम देवगम के ज़मीन पर श्री बनवारी लाल निवटिया जो हमारे चाईबासा के एक उद्योगपति है विगत 35-40 सालों से जबरन अवैध रूप से कब्जा किया है।
इसकी सूचना हमने चंपई सोरेन जो झारखंड सरकार में कल्याण आदिवासी कल्याण मंत्री थे उन्हें हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी कि इन्होंने नियम विरुद्ध हमारे आदिवासी ज़मीन पर कब्जा किया है, मगर प्रशासन और पैसे के बल पर के सहयोग से आप कहें तो बहुत अच्छा होगा कि ये जबरन उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे। हमारी शिकायत के बाद तत्कालीन झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी आए थे कि लीज पर लिए हुए ज़मीन पर किस तरह इन्होंने जबरन कब्जा किया हुआ है, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है मगर प्रशासन को वो कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री चालू है तो प्रशासन कहता है कि उनकी फैक्ट्री चालू है। इस मामले में हमें अब तक किसी भी नेता या किसी भी पदाधिकारी से मदद नहीं मिली, मगर मैं विशेष रूप से हमारे जो पूर्व अंचल अधिकारी हैं बूढ़े सारू, उन्होंने जो सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में ये लिखा कि जिस कानून के तहत 49(6)(a) के तहत इन्होंने अर्थात श्री बनवारी लाल नेवटिया ने जो अनुमति लेने की बात कही है अपर उपायुक्त से, वो पूरी तरह से गलत है, वो जाली है। ये रिपोर्ट जब कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने यहाँ के आयुक्त उपायुक्त LRDC सदर अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा एवं कुलहान एवं CO सदर को जब लिखा था तो इस मामले में जांच में ये बात आया कि ये 49(6)(a) कोई धारा ही नहीं है कि जिसके तहत आदिवासी ज़मीन को कोई गैर आदिवासी खरीद सकता है, और हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है। और जहाँ तक बात है कि अभी यहाँ पर एक स्टे लगा हुआ है, उन्होंने ही खुद उस जांच के विरुद्ध में हाईकोर्ट में अपील किया था स्टे के लिए, मगर हाईकोर्ट भी चूँकि ये रिपोर्ट वहाँ जा चुका है कि 49(6)(a) का कोई अस्तित्व ही नहीं है CNT एक्ट में, इस तरह से हमारे कुलान भूमि बचाव के सभी साथियों ने मिलजुल कर ये साबित कर दिया कि इन्होंने जो 49(6)(a) के तहत अनुमति की बात कही थी पूरी तरह से जाली है और उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ के किसी भी कार्यालय में नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत जल्द ये इतिहास बनने वाला है कि यहाँ पर लोग 4-5 बार सांसद विधायक बने, एक तो जंगल ज़मीन की बात कहता है, उस पार्टी के भी विधायक और मंत्री हैं मगर कभी उनकी नज़र इधर नहीं पड़ी, और तो और मटका महतू में 3-3 विधायकों का यहाँ ज़मीन है मगर किसी ने हमारे रियातों को सहयोग नहीं दिया, मगर जनता अभी जाग चुकी है और एक इतिहास बनने वाला है कि आम से दिखने वाले ज़मीन रियातों ने हमारे साथ मिलकर इस ज़मीन पर विजय प्राप्त किया है। बहुत जल्द हमारे कदम हमारे पूर्वजों के जमीन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के दोकट्टा महाबुरु एवं डाउडांगुआ डब्बुंग बासा में सोमवार को ट्रांसफार्मर का लोकार्पण परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। अब फिर से गांव बिजली की रोशनी से जगमग हो उठा। पिछले 2 सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था जिसके कारण गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। गांव में पुनः बिजली आने से लोगों में काफी हर्ष का माहौल बना रहा। मंत्री ने ग्रामीणों को बिजली का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। कहा कि ग्रामीण किसी भी तरह की समस्या हो तो उन्हें बताएं, वे समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्काल पहल करेंगे। हमारी सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया है, साथ ही अब बकाया बिजली बिल को भी माफ कर दिया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी और तेज हो गई है। मंगलवार से दुर्गा पूजा पंडालों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से सोमवार को चाईबासा शहर में फ्लैग मार्च किया गया। चाईबासा शहर में 2 दर्जन से ज्यादा स्थान पर पंडाल बनाकर और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना होती है। इस दौरान विधि व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। दुर्गा पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने का कार्य तेज कर दिया गया है। कारीगर
युद्ध स्तर पर पंडाल को फाइनल टच देने में जुट गए हैं। मंगलवार से पूजा पंडालों का उद्घाटन शुरू हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चैबासा मुख्यालय के साथ साथ चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र और जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चैबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। हो राइटर्स एसोसिएशन और आदिवासी हो समाज युवा महासभा की बैठक क्लब भवन हारी गुटू में हुई। संयुक्त सचिव दिलदार पूर्ति की अध्यक्षता में हुई बैठक में किताबों के संग्रह प्रकाशन कार्यालय की स्थापना और एसोसिएशन के नाम को राष्ट्रीय स्तर के नाम के संशोधन प्रस्तावना और निबंधन पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि हो भाषा साहित्य और भाषा विकास के नाम पर सोशल मीडिया में उचित और अनुचित चीजें शेयर की जा रही है। भाषा के विकास और शब्दों के निर्माण में सामाजिक मानकीकरण की दिशा में विशेषज्ञ को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगले सप्ताह होने वाले कवि सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई। सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की समस्या पर चर्चा की गई। लालमुनि पूर्ति ने समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।